और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है, आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म, जिस जिस को भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियां से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया।